फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम चौथी चेस्ट क्या कटोरी ब्लाउज की हम कटिंग देखने वाले हैं। चेस्ट है 34 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 8.5 इंच, लंबाई है 13 इंच, गला फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 8 इंच, बाजू की लेंथ है 5 इंच और चौड़ाई में 6 इंच। तब इसकी कटिंग देखते हैं। जैसे पहले हमने ये पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से फोल्ड करके बंद बाजू हमने अपने साइड में रखी है। पहले हमें लंबाई नापनी है, तो लंबाई है हमारी 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 14 इंच हम इसकी लंबाई लेते हैं। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, चेस्ट है हमारी 34 इंचेस, तो उसका 1/4 लेंगे हम 8.5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि 10 इंच, ये सिलाई मार्जिन के लिए। 2.5 इंच पे हम गले का मार्किंग करते हैं, 5.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंच लिया था, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम इसका बॉक्स बनाएंगे। गले की लंबाई है हमारी 6 इंच, यहाँ भी हम जैसे यहाँ से यहाँ 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 2.5 इंच लेंगे। इसका हम बॉक्स बनाते हैं। गले को हमें राउंड शेप देना है। आर्म होल लेंगे हम 1.5 इंच पे फ्रंट साइड के और 2 इंच पे बैक साइड के। ये जो आर्मोल की गोलाई है वो हमने फ्रंट साइड की दी 1.5 इंच पे, और ये बैक साइड की है 2 इंच पे। अभी यहाँ पे हमें 3.5 इंच इस साइड में लेनी है। जैसे गले के साइड में हम ये क्रॉस पट्टी निकालने वाले हैं, तो गले के साइड में हम 3.5 इंच लेंगे और आर्मोल की साइड से हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ हम क्रॉस पट्टी का शेप देते हैं। चौथी चेस्ट के लिए क्रॉस पट्टी पे हम कटोरी का नाप लेते हैं 5.5 इंच। फ्रंट साइड की जो गोलाई है यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, और जो गले के ऊपर यहाँ हम 1 इंच लेते हैं। ये जो तीनों पॉइंट हैं इसको हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको ज्वाइंट करना है, फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक साइड दोनों सेम कट करेंगे, क्योंकि बैक साइड का गला जो है वो हम कपड़े पर बढ़ाएंगे। जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप गला बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बीच में से इसको कट करना है। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है, तो हम क्रॉस पट्टी को इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कटोरी को कट करना है, तो ये हमारी फ्रंट साइड हुई। अब ये जो कटोरी है, ये जो कटोरी है इसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना है। अब यहाँ पे हमें ये जो दूसरा पेपर हमने लिया है, तो यहाँ हमें कटोरी को कैसे बढ़ाने हैं, तो यहाँ ये जो है ये पहले जैसा है वैसा ही निकालते हैं।
पहले कटोरी को जैसा है वैसा ही निकालना है, फिर इसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे हमने कटोरी का सेंटर निकाला है, सेंटर पे हमने 1.5 इंच नीचे लेना है, सीधी एक लाइन इसको लेनी है। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच यहाँ पे लेंगे और 1.5 इंच इस साइड से लेंगे। और सिलाई मार्जिन के लिए जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, दोनों साइड में हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से एक सीधी लाइन देनी है और यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन देनी है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ऊपर के साइड में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके, सिलाई में जितना आपका जाता है उतना थोड़ा एक्स्ट्रा लेके अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है और यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको राउंड शेप देना है। इस तरह से इसको राउंड शेप देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये कटोरी की कटिंग की है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए हमने ये पेपर लिया है, बंद बाजू हमने अपने साइड में रखी है। जैसे आर्महोल लिया हमने 6 इंच, तो हमें इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, यानी कि ये हुई हमारी बाजू की चौड़ाई। लेंथ है, स्लीव्स की लेंथ है हमारी 5 इंच, तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि 6.5 इंच। अब यहाँ पे हम इसको बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ हमें इस तरह से सीधा लेके इसको आर्महोल का शेप देना है। बाजू का जो आर्महोल है उसका हमें शेप देना है। ये जो है ये फ्रंट साइड का है और ये जो है ये बैक साइड का है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो है एक्स्ट्रा है, बाजू को 1/2 इंच का तिरछा कट देके यहाँ पे हमें इसको जो शेप हमने दिया है उसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कट करना है। तो ये हमने, ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड और ये हमारी स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स। तो यहाँ पे जब भी आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो ये जो क्रॉस पट्टी है ये नीचे के साइड से हमें 1/2 इंच बढ़ानी है, बाकी जैसा है वैसा ही कपड़े पे रख के आप कटिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।